किसान नेता और कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने किसानों के साथ झूठे वादे किए। आज किसान कर्ज में डूबा है तो कमलनाथ की वजह से। कर्ज माफी हुई नहीं, जिसकी वजह से किसान डिफॉल्टर घोषित हुए। राहुल गांधी और कमलनाथ किसानों से माफी मांगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ ने किसान कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। किसानों को कमलनाथ और राहुल गांधी ने धोखा दिया है, अब किसान बहकावे में नहीं आएगा। उन्होंने कहा, जन प्रतिनिधियों के वैसे भी कर्ज माफ नहीं होते, इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है इसमें। उन्होंने कहा, राहुल गांधी और कमलनाथ ने 2 लाख का कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन इसके लिए बजट में प्रावधान नहीं किया गया। किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई, जिसकी सजा उनको मिली। सोसाइटियों की कमलनाथ सरकार ने ऐसी स्थिति कर दी कि वे अब कर्ज लेने की स्थिति में नहीं है। आज किसान कर्ज में डूबा हुआ है, उसके लिए कांग्रेस दोषी है, और जो किसान डिफॉल्टर हुए हैं उसके लिए भी कांग्रेस दोषी है। कमलनाथ और राहुल गांधी किसानों से माफी मांगे उनके झूठे वादों के लिए। पटेल ने कहा, इन्हीं सब वजहों की कारण कांग्रेस की सरकार गई, कमलनाथ का कारवा डूबा। और मैं वो बात मैं हमेशा कहता हूँ कि कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनते से कहा था कि 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाता है, तो फिर हम प्रश्न कर रहे हैं कि किया क्यों नहीं। 15 महीने रहे, 10 दिन का कहा था, 10 दिन का कहा था ना, वचन दिया था ना, और नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो थूक के कौन ने चाटा? कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने। एक नंबर दो, कमलनाथ ने धोखा दिया जनता के साथ, और इसलिए किसानों ने धक्का दिया और आगे भी धक्का देंगे। अब किसान कांग्रेस के बहकाव में कभी आने, हमारे कर्ज माफी होने का सवाल ही नहीं उठता। जनप्रतिनिधि वैसे भी कर्ज माफी नहीं होती, फर्जीवाड़ा किया था 2 लाख तक की। अरे मेरी बात सुनो, गलत दिया उन्हें, जान बूझ के हमने कोई कर्ज माफ नहीं कराया। और दूसरा बता रहा हूँ मैं आपको कि 2 लाख तक का कर्जा माफ करने का कसम खा के कहा था, नहीं कहा था? और मुख्यमंत्री बनते से कहा कि 2 लाख तक का कर्जा माफ किया, तो बजट का प्रावधान क्यों नहीं किया? ये धोखाधड़ी और 400 पीसी कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते की, और इसकी सजा उनको मिली उपचुनाव में, आगे भी मिलेगी। 50,000 तक के कर्ज माफ हुए हैं, लेकिन उसमें भी 50% सोसाइटियों के कर्जा माफ, सोसाइटियों को बर्बाद कर दिया। ऐसे कहा मंत्री है, किसानों की अंश पूंजी में कर्जा माफ किया गया, उसने सोसाइटियां डिफॉल्टर हो गई, खाद देने की स्थिति में नहीं है। आज किसान कर्ज में डूबा हुआ है, उसके लिए कांग्रेस दोषी है, कांग्रेस के नेता दोषी हैं, और डिफॉल्टर हुए तो वो उसके भी लिए कांग्रेस दोषी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 10 दिन का कहा था ना, नहीं किया, तो कांग्रेस किसानों से कान पकड़ के माफी मांगे, राहुल गांधी, कमलनाथ, और बोले आइंदा ऐसे झूठे वादे नहीं करेंगे, वचन नहीं देंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं